सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोनकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है और कहा है कि न्यायपालिका में भाई भतीजावाद जिस तरीके से हो रहा है उसको बंद करके एक सुचारू व्यवस्था करके भर्तियां की जानी चाहिए। आप भी कौशाम्बी से सांसद हैं बगल से, तो क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित रूप से सरकार इसको लेकर गंभीर है, संजीदा है। पिछली सरकार में इस कोलिजियम सिस्टम के अलावा के अतिरिक्त ना कहा जाए बल्कि दूसरी व्यवस्था खड़ी करने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया था, लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसको असंवैधानिक करार दिया था। इससे एक बात साफ जाहिर है कि जब एक सिटिंग जज इस तरह की बात लिख रहा है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, और सरकार इसको लेकर संजीदा है और सरकार करेगी। और मैं स्वयं इसको आज प्रयास करूँगा कि पार्लियामेंट में जीरो ऑवर में उठाया जाए, क्योंकि इससे केवल भैया भतीजावाद ही नहीं समाप्त होगा, जातिवाद ही नहीं समाप्त होगा। इसमें जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे अनुसूचित समाज के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा और साथ साथ इसमें जो गुणवत्ता है उसको स्थान मिलेगा। सर, एक और बात है कि केंद्र सरकार ने अपने तमाम सारे मंत्रालयों को कहा है कि जो अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे उनकी रिपोर्ट बनाई जाए, उनको समय से पहले रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो अब योगी सरकार के बाद केंद्र की मोदी सरकार भी उस फॉर्मेट में आ गई है, क्या आप ठीक मानते हैं इसको? बिल्कुल ठीक मानता हूँ कि ऐसे इसके सरकारी कर्मचारियों की कोई ज़रूरत नहीं है जो केवल कुर्सी स्थान को भरने के आते हैं और जो काम नहीं करते, जो परफॉर्म नहीं करते। इनको निश्चित रूप से जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और जिनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें भी हैं, सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार बधाई के पात्र के उसकी शुरुआत किया। सर, एक सवाल है, मायावती से लेकर प्रियंका गांधी तक यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही हैं। देखिए, इनको जनता ने नकार दिया है। जब जनता नकार दिया है तो ये बेवजह का, एक तरफ तो ये आरोप लगाते हैं कि योगी जी इनकाउंटर कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। आज पिछले 15-20 साल में की तुलना में समाजवादी बहुजन समाज पार्टी सरकारों के कार्यकाल को देखें और आज देखें, उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी जेल पे है या अपराधी दुनिया से जा चुका है। समय का आखिरी प्रश्न, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ को समाप्त करके छात्र परिषद लाया जा रहा है, नर्सरी कही जाती है वो राजनीति की, क्या आप लोग वहाँ से सांसद और आप भी लगातार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आंदोलनों में शामिल रहे हैं, क्या इसके लिए मुखालफत करेंगे? नहीं, बिल्कुल ये ठीक नहीं है। कोई भी शिक्षण संस्थान हो, चाहे विशेष करके विश्वविद्यालय, वो केवल वहाँ पर बाबू IAS या केवल सरकारी कर्मचारी पैदा करने का स्थान नहीं है। वहाँ पे देश की आवश्यकता के लिए साहित्यकार पैदा हों, इसी प्रकार देश को चलाने के लिए वहाँ पे राजनेता भी पैदा हों, क्योंकि देश को चलाने की राजनेता की भी ज़रूरत है। तो ये कदम उनका ठीक नहीं है और इसको भी मैं पार्टी सदन में उठाने का प्रयास करूँगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे कौशाम्बी से लोकसभा सांसद और भारतीय जनता अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोनकर, जिनका कहना था कि जो न्यायपालिका के लेकर खत लिखा जज ने बिल्कुल ठीक लिखा और मैं भी सदन में इसको आज उठाने की कोशिश करूंगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।